चलिए शुरू करते हैं। नहीं कि मैं यहाँ पे नृत्य सिर्फ डांस वांस करती रहती हूँ, यहाँ पर पूरा यहाँ मथुरा में इतना डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें मेरा बहुत ही उसमें श्रेय मेरा जाना चाहिए, शाबाश। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा रोड, इतने बड़े बड़े जो पैसा जो समझ रहे हो? जो लगता है सो मेनी डेवलपमेंट में, वो सब कुछ मैं लेकर आई हूँ। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। हेमा मालिनी, जिन्हें बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहा जाता है, अपने नृत्य और अभिनय के लिए मशहूर है, लेकिन लगता है कि उन्होंने मथुरा में अपने राजनीतिक करियर को भी अपने नृत्य का एक नया मंच बना लिया है। हाल ही में नवरात्रि के अवसर पर देवी दुर्गा का रूप धारण कर हेमा मालिनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि मथुरा में हुए सारे विकास का श्रेय उन्हें ही जाना चाहिए। अब इस पर थोड़ा मजाकिया अंदाज में बात करना तो बनता ही है। पहली बात तो ये, हेमा जी, आपको शायद पता नहीं होगा कि सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम केवल नृत्य करने वाले लोग, नृत्य करने वाली महिलाओं से बहुत अलग। सड़कें तब बनती हैं जब इंजीनियर काम करते हैं, मजदूर मेहनत करते हैं और जनता टैक्स भरती है। लेकिन अगर आपके अनुसार यह सब आपने अकेले किया है, तो शायद हमें मथुरा के मजदूरों और इंजीनियरों को बताना चाहिए कि वो अपना काम बंद कर दें, क्योंकि हेमा जी अकेले ही सब कर लेंगी। आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा बड़ा रोड अकेले ही बनाया। जहाँ तक विकास की बात है, तो हेमा मालिनी जी के अनुसार पिछले 10 सालों में मथुरा में जो भी अच्छा हुआ वो सब उनके कारण ही हुआ है। वैसे मथुरा के लोग शायद इसी इंतजार में थे कि कोई आए और नृत्य के साथ साथ डेवलपमेंट भी कर दे। आखिरकार ड्रीम गर्ल का काम सिर्फ सपने दिखाना ही नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलना भी है। हेमा जी का कहना है कि लास्ट 5 ईयर और भी अच्छा काम करेंगे। अब यह सुनकर मथुरा की जनता शायद सोच में पड़ रही है कि पिछले 10 साल से जो काम इतना अच्छा था, वो अब और अच्छा कैसे हो सकता है? क्या मथुरा के लोग अब अपनी सड़कों पर भी नृत्य करते हुए चलेंगे? हो सकता है कि नए थिएटर जो हेमा जी ने बनवाए हैं में लोग नृत्य करते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। यह सब तो सचमुच में मथुरा को एक अनोखा शहर बना देगा। हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि मथुरा के लोग उन्हें थिएटर देखकर याद करेंगे। अब यह सुनकर थोड़ा हंसी आती है, क्योंकि मथुरा एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी जहां लोग भगवान कृष्ण के जन्म स्थल और मंदिर के दर्शन करने आते हैं, न कि थिएटर में फिल्में देखने। लेकिन शायद हेमा जी को लगता है कि मथुरा के लोग भगवान के बजाय अब उनकी फिल्में देखकर प्रेरणा लेंगे। शायद अगले जन्म में श्री कृष्ण भी मथुरा के विकास की कहानी सुनाते हुए हेमा जी को धन्यवाद करेंगे। दोस्तों, वायरल हो रहे इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में साझा कर सकते हैं, और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।